हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग JKSSB क्लास फोर एग्जाम। गाइस, पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। अगर वो नहीं देखा, जल्दी से जाके वो वीडियो भी देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अब आज के सेकेंड पार्ट को। 50 क्वेश्चन हमने किए थे पार्ट फर्स्ट में, अब इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरेटरी हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड टू डिलीवर सर्विसेज इन अर्बन एरियाज। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। एंड गैज, आपको एक चीज़ और भी याद होगी, बैक टू विलेज कैंपेन, तो वो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड सर्विसेज इन विलेज। ओके, तो बैक टू विलेज भी आपने याद रखना है। एंड दिस इज माई टाउन माई प्राइड, जिसे मनोज सिन्हा द्वारा, मनोज सिन्हा जी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज PFMS एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके तहत होता है क्या कि देखो, जो भी सरकार की नीतियाँ रहती हैं, जो भी योजनाएं रहती हैं, उसके तहत जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होते हैं हमारी बेनिफिशरीज़ को, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का इस PFMS का मेन रोल होता है। तो इसे स्टार्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। कौन सा यूटी बना है ये आपने बताना, फर्स्ट यूटी बना है इसे स्टार्ट करने वाला, तो ये बना है जी हमारा अपना जम्मू एंड कश्मीर। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस, देखो टाइम काफ़ी कम है आपके लिए, अब आपके पास हार्डली 2 से 3 दिन बचे हैं। खुद को टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिए बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो 50 मॉक टेस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं JKSSB क्लास फोर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट प्लस 40 सेक्शंस आपको मिल रहे हैं इन जस्ट ओनली ₹149। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारी ऐप का, जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टाइम काफ़ी लिमिटेड है, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो चुकी है। खुद को एनालाइज एक बार ज़रूर कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, बेनिफिशियल रहेगा। जो भी वीकनेस है आपकी, उस पर काम कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को विद दिस 50 मॉक टेस्ट। कोई भी क्वेरी आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे। तो सभी से स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, बेनिफिट उठाइएगा, हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। देखो हमारे RK छिबर जी, इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन है। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना। हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के? श्रीनगर में। वो आपने ज़रूर याद रखना है, वो आपने ज़रूर याद रखना है। एंड अगर आपको टैगलाइन पूछ ली जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, अगर आपसे टैगलाइन पूछ ली जाए तो सर्विंग टू एम्पावर, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। हमें बाकी बैंक्स की पता होनी होती है, बट हमें JNK की भी पता होनी चाहिए। सर्विंग टू एम्पावर आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी हमारा हमारी यूटी लद्दाख की, गेट्स द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा बनाया। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है जी 1.5 मेगावाट। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो लद्दाख में काफ़ी चीज़ें, अभी आपको मैंने बताया था इंडियन मीटरोलॉजिकल सेंटर जो हाईएस्ट बना है, वो भी लेह के डिस्ट्रिक्ट, लाइक लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट लेह में बना है। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट, एक लेह है एक कारगिल है। तो वो लेह में बना है एंड ये भी लेह में ही बना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगेन आ गया 55th क्वेश्चन, उसी की मैं बात कर रहा था। मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो हाईएस्ट बना है वो लेह में बना है लद्दाख के, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद लोसर फेस्टिवल, ये देखो न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जैसे नए साल की खुशी में, ये कौन से स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी हमारे लद्दाख में ही सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद TSO कर ले कम्प्लेक्स रामसर साइट में अभी इंक्लूड हुई है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे है TSO कर। देखो ये भी लद्दाख में ही है एंड TSO मुरेरी 2002 में, ध्यान से सुनिए, 2002 में TSO मुरेरी रामसर साइट में डिक्लेयर हुई थी एंड ये सेकेंड बनी है लद्दाख की TSO कर। एंड पेंगोंग लेक अभी वेटलैंड नहीं डिक्लेयर हुई है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इसके बाद 41st बनी थी हमारी, देखो अभी रिसेंटली 40th नंबर पे हमारी बनी थी सुर सरोवर लेक यूपी की, 41st नंबर पे लोनर लेक बनी थी महाराष्ट्र की, एंड 42nd नंबर पे भी राइट नाउ 42 रामसर साइट है। तो सबसे लास्ट वाली हमारी लद्दाख की है TSO कर, वो आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत स्टार्ट किया गया था। इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए अंडर सेहत, तो ये अपने ध्यान रखना है। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज हमारे श्रीनगर का अवार्ड ऑफ मेरिट में इंक्लूड किया गया इन 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, अमर सिंह कॉलेज हमारे श्रीनगर का अवार्ड ऑफ मेरिट यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए चुना गया। उसके बाद कुलदीप हांडू, ये तो अब आपको याद होना ही चाहिए, काफ़ी बार रिवाइज करवा ही चुका हूँ, फर्स्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू गेट द्रोणाचार्य अवार्ड, सो फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बनाए गए, आपको पता है। उसके बाद हमारे पंकज मित्तल जी, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। एंड यू नो देखो आप लोग जानते हो गीता मित्तल थी इससे पहले चीफ जस्टिस, एंड इन बिटवीन जब तक इनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता राजेश बिंदल, कुछ टाइम के लिए राजेश बिंदल को अपॉइंट किया गया था टेम्पररी, देन उसके बाद नाउ पंकज मित्तल को परमानेंट अपॉइंट किया था। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो राजेश बिंदल का नाम भी आपने ध्यान रखना है, टेम्पररी अपॉइंट हुए थे इंटरिम। यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी ने आपस में समझौता किया टू वर्क ऑन कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड यूके की एक स्पेस एजेंसी आपस में समझौता किया फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक देखो सैफरॉन को तो जीआई टैग दे दिया गया है, गुची मशरूम देखो अभी इसको मिला नहीं है, मिल सकता है, इसके लिए जो भी एप्लीकेशन वगैरह दे दी गई है। अब ये बहुत ज़्यादा महंगी है, काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप इसे परचेज करने जाओगे तो आपको, आप 500 ग्राम भी लोगे यानी आधा किलो भी लोगे तो यू हैव टू पे 18,000 रुपीज़। डोडा में मिलती है, डोडा के कहीं हिली एरियाज में मिलती है, किश्तवाड़ में कई जगह मिलती है, तो गुची मशरूम। ओके, इसकी पिक्चर भी आपने ज़रूर देखी होगी एंड काफ़ी कॉस्टली सब्जी है। ओके, किसी के घर होगी तो ज़रूर मुझे भिजवा देना। ओके, 18,000 रुपीज़ की हाफ के जी मिलती है, 36,000 रुपीज़ पर के जी मिलती है गुची मशरूम। ओके, एंड अभी मिला नहीं है, एप्लीकेशन इसके लिए दाखिल मतलब दर्ज हो गई है। उसके बाद जी हमारे नेक्स्ट है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लॉन्च जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेज रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। JKIGRAMS से लॉन्च कर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी ला सकती है। अब इसमें क्या है कि बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरफेस क्रिएट करेगा गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बिटवीन। ओके, ये पोर्टल है, आप इस पे जाके लॉगिन भी कर सकते हो सो डेट कि कोई भी इश्यूज रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके इसमें मैसेज अपना छोड़ सकते हो। ओके, तो एक गुड गवर्नेंस बनाने के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव ये इसे स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर यूटी द्वारा बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब CAT बेंच से होगा क्या, जो भी कोर्ट्स पे बर्डन रहता है वो रिड्यूस होगा, एंड ये 18th था, ये आपने ध्यान रखना है। दिस बेंच विल डील एक्सक्लूसिवली विद द सर्विसेज मैटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी विवाद रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जॉब्स के रिलेटेड, तो उन पे ये कैट बेंच काम करेगा। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट है जी, हम स्टूडेंट फ्रॉम IIT बॉम्बे रुदार एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया गया था 10,000 रुपये का, ओनली 10,000 रुपीज़ का। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, देखो IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे, उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के स्टूडेंट्स ने मिलके इसे बनाया जिसका नाम था रूहदार, तो नाम आप याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है। ओके, लो कॉस्ट वेंटिलेटर COVID-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था ये। उसके बाद जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर टू कट डाउन फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज। अब इसका ये भी एक मिसबिलीव बना दिया था कि इस वजह से कोरोना वायरस फैलता है, COVID-19 काउज करता है ये, तो जो कॉटन वुड ट्रीज बोलते हैं हम इसे, तो क्या था कि ऑर्डर आ गया था कि इसको काटो कि इस वजह से कोरोना फैलता है, बट उसके बाद कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया एंड ये कहा कि ये मिसबिलीव हटाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉटन वुड ट्रीज से कोई भी कोरोना का डिजीज़ नहीं होता, COVID-19 काउज नहीं करता ये, तो ये आपने ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी नितिन गडकरी द्वारा, इनके द्वारा लॉन्च द सेल ऑफ खादी रुमाल, तो खादी रुमाल को इनाग्रेट किया, इसकी लॉन्च की थी सेल की, जो बनाया गया था मिलिटेंसी इफेक्टेड वुमेन ऑफ नगरोटा टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिक ऑब्जेक्टिव था इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना अमंग वुमेन्स। ओके, तो खादी रुमाल के नाम से आपने लॉन्च जो इसे स्टार्ट किया गया, जिसे लॉन्च किया गया नितिन गडकरी द्वारा, ध्यान आपने रखना है। ऑपरेशन 500 हमारे इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया था यूटी जम्मू एंड कश्मीर। बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि देखो 500 एक्टिव टेररिस्ट ऐसी इनपुट्स मिले थे, तो इसी वजह से ऑपरेशन 500 इसका नाम रखा गया इंडियन आर्मी द्वारा। एंड चंद्रगना टनल जो अभी अभी तो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, एंड प्रपोज टनल है ये जो कनेक्ट करेगा आपका कठुआ से डोडा को। ओके, सो गाइस देखो इस पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए, एंड अभी इसमें हमने जनवरी तक के करंट अफेयर कर लिए हैं, जनवरी 2021 तक के। अब इसमें हार्डली मुझे कोई और करंट अफेयर नहीं मिला जो मैं J&K का इंक्लूड करूँ, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब होप फॉर द बेस्ट कि अब करंट अफेयर एग्जामिनर आपसे पूछे J&K के, एंड फर्स्ट दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में अगर एग्जामिनर करंट अफेयर सेक्शन पूछता है, डोंट नीड टू वरी, करंट अफेयर में इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वी हैड कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइज थैंक यू, बाकी PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी नेक्स्ट एग्जाम आएगी और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जाके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में विद नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। एंड J&K के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज इसके बाद देखो बाकी आप सब लोगों से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मॉक टेस्ट का बेनिफिट ज़रूर उठाइए, क्योंकि खुद को एनालाइज करना, हमने नॉमिनल सा फीस रखा हुआ है। बाकी मैं कुछ स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये कॉस्ट ज़्यादा है, एंड गाइज देखो आई डोंट थिंक सो कि बाकी मैं मॉक टेस्ट मैंने आई थिंक एक जगह देखे थे, लाइक आई जस्ट रिव्यूड, उसमें अराउंड आपको 299 रुपीज़ में 10 मॉक मिल रहे हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू 50, इसमें 40 सेक्शनल्स हैं, सो पूरी टीम काम करती है, इससे कम हम ऑफर्स भी आपको देते रहते हैं, सो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कम मिलेगा, बट इट्स ओनली फॉर यू, नॉट मेंट टू अर्न मनी फ्रॉम यू, इट्स टू प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज। बाकी कोई भी क्वेरी आएगी आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सो।